जी दोस्तों, जैसे कि संदीप भाई आपने इतनी बड़ी शॉप खोली है तो एक वैरायटी भी आपने बहुत अरेंज कर रखी है इसके अंदर। एक्चुअली कुर्तीज के सारे कैटलॉग्स हैं यहाँ पे और हर एक चीज, जैसे अभी ये चीज है कॉटन बेस्ड है, पूरा स्टॉक्स में भी कोई कमी नहीं है, मतलब हर तरह का, जैसे एक ही तरह के बंडल लग रहे हैं तो सारे एक तरह के माल है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको सब सेट में सब साइज लेनी है, एक बैग चाहिए एक बैग मिल जाएगी, दो चाहिए दो मिल जाएगी, ब्रांड भी अच्छा है जी सर। बॉक्स पैकिंग भी है, मतलब डिसेंट चीज है, मतलब फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मतलब मैं नहीं आता, मेरा भाई और ये सब आते, लेकिन एक दूसरे को जानते रहते हैं। रंगोली सिल्क के टॉप आ रहा है, रंगोली सिल्क का ये देखिए चीज, डिजिटल प्रिंट बना हुआ है, देखने में भी आजकल जो कॉलेज में गर्ल्स होती है उसके हिसाब से बड़े सुपर आइटम्स से। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल अर्बन हिल को और दबाएं इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों जैसे कि संदीप भाई आपने इतनी बड़ी शॉप खोली है तो एक वैरायटी भी आपने बहुत अरेंज कर रखी है इसके अंदर, तो जैसे कोई नए बंदे स्टार्ट करते हैं, नया काम स्टार्ट करते हैं, हाँ जी, तो उनको क्या आप मोटिवेशन देना चाहेंगे, किस तरह से जुड़े हैं, किस तरह से काम करें? सर ऐसा है ना कि मैं ये नहीं बोलूंगा उनको कि आप 1200 वाली आइटम ले जाइए, बिल्कुल लोकेशन क्या है, पब्लिक क्या डिमांड है वहाँ पे जहाँ उनको स्टार्ट करना है, लोकेलिटी कैसी है, बिल्कुल मिडिल क्लास है बहुत हाई क्लास है जो भी है, तो मैं तो बोलूँगा आप पहले रेंज वाइज आइटम लेके जाइए, लो रेंज से लेके जो भी वहाँ चलेगी वैसे आइटम लेके जाइए, उसके बाद वो डरने की बात तो है नहीं, कपड़े का बिजनेस है, कोई खराब होने वाली चीज़ है नहीं, सपोर्ट करते हैं हम भी। ये कहते हैं कि कस्टमर को जो स्टार्टिंग में ये देखना चाहिए आपकी लोकेशन किस तरीके की दे रहे हैं, आप घर से बिजनेस कर रहे हैं तो एक अलग वैरायटी होनी चाहिए। सर बिजनेस घर से करो, शॉप लेके करो, जरूरी नहीं कि आपका शोरूम ही चाहिए तभी बिजनेस चलेगा। अभी मेरे पास 90% जो कस्टमर्स है वो घर से है, हाँ जी घर से स्टार्ट किया, उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है साल दो साल तीन साल का, उसके बाद उन्होंने फिर वो हिम्मत आ गई, उसके बाद उन्होंने छोटा शॉप से स्टार्ट किया है, कई सारे मेरे क्लाइंट्स हैं सालों से, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा क्लाइंट्स को कि आप ले जाइए, इसमें डरने की बात है नहीं, कपड़ा है कपड़ा कोई खराब होने वाली चीज़ नहीं है, इसमें 100% अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, दो पैसा आप अच्छा कमा लोगे। और हमारा एक सिस्टम है, अगर नई भी सेल होता है तो विद इन 6 महीने 6 महीने के आपके पास आपके पास टाइम है, बिल्कुल 6 महीने तक एक्सचेंज हो जाएगा, 6 महीने में आपको पता तो चल ही जाएगा कि हाँ कौन सी रेंज मेरे यहाँ चलेगी कौन सी नहीं चलेगी। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर ने माल लेके गया, हाँ जी, कई बार सूरत में बहुत सारे दुकानदार हैं कहते हैं कि हम एक्सचेंज कर देंगे जी जी, तो सर उसको क्या रिलायबिलिटी मिलेगी, मतलब जैसे कई बार नया मैं जैसा सपोज मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ जी, मेरे भी मन में दुविधा होगी कि सर मैं ले तो गया जी जी और दुकानदार ने कह दिया, तो एक मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता कई बार किसी चीज़ के। सर बिल में मैंने सीधा प्रिंट कर दिया है कि 6 महीने तक मैं एक्सचेंज कर दूंगा और 1 ईयर तक कुछ भी डैमेज पीसेस रहे वो एक्सचेंज करूंगा, मैंने मेंशन किया है, प्रिंट किया है, मेरा बिल बुक पे लिखा हुआ है कम्प्लीटली, उसको डेट जो बिल का डेट है वहाँ से लेके 6 महीने, जरूरी नहीं सर बिल्कुल 6 महीने 10-15 दिन आगे पीछे भी हो गया वो कोई बड़ी बात नहीं, मुझे सपोर्ट करना है कस्टमर्स को, उनको आगे लेके जाना है जी, उनका बिकेगा तो कपड़ा मेरा बिकेगा, सिंपल है, अगर मेरे यहाँ से गया हुआ माल बिकेगा तो वापस मेरे पास ही ऑर्डर आना है, तो उनको मैं फुल सपोर्ट रहता है इस चीज़ के लिए। और काफ़ी सारे क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं कि संदीप भाई आप बिल्कुल सपोर्ट्स कर रहे हैं, आपके जो भी आपने बताई है सारी बातें उसके लिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं सर। बिल्कुल सर, जैसे कि आज संडे है क्योंकि मैं आपके पास संडे के दिन आया हूँ, हाँ जी, तो इसके बाद ऐसा होता रश होता है आपके पास, बिल्कुल सर, तो इसीलिए थोड़ा सा आज खाली, इसीलिए मैंने कहा चलो वीडियो शूट करने आपको टाइम के बार नहीं मिल पाता है शूट कराने के लिए भी, दिन में काफ़ी सारे क्लाइंट्स होते हैं तो उतना नहीं पॉसिबल, इसीलिए मैंने थोड़ा फ्री हो गया, जिससे आगे कस्टमर को भी एक मोटिवेशन भी हो जाए, कस्टमर को चीज़ भी पता चल जाए वैरायटी किस किस तरीके सेल करते हैं, बिल्कुल, और आप कुछ मतलब कलेक्शन भी दिखा दें इससे थोड़ा सा 100% सर। चलो मैं आपको कुछ जैसे बैग है सर, ये कुर्तीज है एक्चुअली, पूरा ऐसा पैक आता है, किसी कैटलॉग्स में 8 पीस है, किसी में 10 है, किसी में 12 है, किसी में 6 है, साइजेस सारी आती है, MLXL XXL कुछ आइटम XXXL भी आती है, XXXL ज़्यादातर यहाँ पे नहीं चलता इंडिया में एक्चुअली, जो फॉरेनर क्लाइंट्स होते हैं बाहर के वो आते हैं तो XXXL की डिमांड करते हैं, जैसे ये बिल्कुल सर लो रेंज की कुर्ती है। कुर्ती में अगर बोलूँ सर मेरे पास कैटलॉग आइटम लाइक 190 से कैटलॉग आइटम स्टार्ट हो जाती है, 190 से कैटलॉग आइटम, ये देखिए कुर्तीज फुल डिजाइनर चीजें मिल जाएंगी बिल्कुल सर, और इसकी रेंज देखोगे सर सिर्फ ये 290 रुपये की रेंज की कुर्ती है सर, हाँ जी, फैब्रिक भी देखिए हल्का सा पूरा हैंडवर्क हो रखा है इसका, ये देखिए, और साइजेस मिलेगी, कैटलॉग साथ में आएगा बिल्कुल। जैसे जैसे एक चीज और पूछनी है, साइज जैसे मान के चलिए कस्टमर एल का ऑर्डर करता है, हाँ जी, उसको सारे पीस एल साइज के होंगे, बिल्कुल सर एक सेट में एक साइज जाएगी, अगर उसको कस्टमर्स को अगर 3 साइजेस में जाना है तो उनको 3 सेट में जाना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको सब सेट में सब साइज लेनी है, एक बैग चाहिए एक बैग मिल जाएगी, दो चाहिए दो मिल जाएगी, बट आएगी साइज एक ही सेट वाइज ही आएगी, हाँ जी सर जी। जैसे आइए सर मैं बताता हूँ कुछ आइटम्स आपको, जैसे सर कैटलॉग्स भी रखे हैं आपके पास, सारे सैंपल्स के कैटलॉग्स, ये पूरे कैटलॉग्स है सर, मैं मोस्ट ऑफली मेरे पास कैटलॉग आइटम ही है, जैसे मैं बताऊंगा ये देखिए चीज, मतलब कि वेस्टर्न ड्रेस भी इसको कह सकते हैं एक तरह के, वेस्टर्न स्कर्ट्स भी आ रहा है इसके साथ, पटियाला आ रहा है एक्चुअली, विद पटियाला आ रहा है, विद प्लाजो आ रहा है,
काफ़ी सारी रेंज है इसमें भी मेरे पास, कुर्तीज में भी, विद प्लाजो, विद पटियाला, विद दुपट्टा आ रहा है, स्टॉल के साथ आ रही है कुर्तियाँ। और कुर्ती में सब टाइप के फैब्रिक है, रियोन मोस्ट ऑफली ज़्यादा चलता है, उसके बाद फिर स्लब रियोन है, कॉटन है, ग्लेस कॉटन है, ऐसे सारे सारे अलग अलग फैब्रिक चलते हैं। मॉडल चल रहा है आजकल विथ इनर के साथ, काफ़ी सारी वैरायटीज चल रही है इस टाइप की। आइए सर, मैं कुर्तीज में और कुछ दिखाऊंगा आपको। एक्चुअली कुर्तीज़ के सारे कैटलॉग्स हैं यहाँ पे, और हर एक चीज़, जैसे अभी ये चीज़ है कॉटन बेस्ड है। हाँ जी, तो मतलब सारे देखेंगे तो साथ में सैंपल से डिजाइनिंग सब कुर्तीज़ के अंदर लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो मैं सर दिखा रहा हूँ दो चार पांच वैरायटी आपको, जैसे गाउन स्टाइल की किसी को चाहिए, स्ट्रेट पैटर्न चाहिए, ये लॉन्ग पैटर्न चाहिए तो लॉन्ग पैटर्न मिल जाता है आपको। रेंज वाइज आइटम आएगी सर, कट पैच दिया हुआ है, ये देखिए डोर लगी हुई है, रियोन फैब्रिक से प्योर रियोन आएगा, सॉफ्टनेस दिख रही है इसके अंदर, जो फ्लो होता है फॉल से भी पता चल जाता है। कुर्तीज में मेरे ख्याल से 500 वैरायटीज है मेरे पास कुर्तीज में। हाँ जी, अलग अलग रेंज है, अलग अलग फैब्रिक्स है, डिजाइन कॉन्सेप्ट है, कट पैच वर्क है, हल्का सा वर्क है, हैंड वर्क है, जैसे बताऊंगा मैं आगे आपको। गाउन स्टाइल में आ रही है सर, कई सारी कुर्तियाँ गाउन स्टाइल में आ रही है, जैसे मैं बताऊंगा। मतलब कस्टमर्स अगर आए ना सर, ऐसा नहीं है कि उनको हेवी डिज़ाइन ही लेनी है, हेवी कॉन्सेप्ट में जाना है, लो रेंज में भी ले सकते हैं। ये देखिए सर, जैसे मेरा भी सजेशन ही होता है कि जो स्टार्टिंग करे पहले थोड़ा कम बजट से जो स्टार्ट करता है तो मीडियम सर ले। मैं तो बोलूँ अगर कस्टमर लाख रुपए का बजट लेके आ रहा है तो मैं बोलूँ पहले 50,000 का ही लेके जाओ। बिल्कुल, एक बार ट्राई करो, बेचो, रिस्पॉन्स देखो कैसा आ रहा है, फिर ऑर्डर करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 लाख का लेके जाना। और समर हमारा एक थिंकिंग है कस्टमर्स को, मैं पहले ही बोलता हूँ सर, एक बार अगर आप 5 लाख का भी लेते हो ना हम सेटिस्फाई नहीं होते, 50,000 का ले जाओ, दोबारा आप 10,000 का भी ऑर्डर करेंगे ना तो हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है कि नहीं हमने दिया वो माल बिका, आप वापस आए। बिल्कुल, मेरा यही कॉन्सेप्ट है, शुरू से यही कॉन्सेप्ट है सर। जैसे सर मैंने बताया था कुछ रेडीमेड्स में आइटम मैंने बोली थी आपको, कुछ रेडीमेड भी स्टार्ट किया हुआ है, जैसे ये है सर, ये देखिए पूरा इस टाइप का, इसमें भी सारी फोटोज। हाँ जी, हाँ जी, ये कैटलॉग आएगा सर, बिल्कुल 3 पीस का कैटलॉग है, कोई 4 पीस का है, कोई 6 पीस का है, अलग अलग है। ये देखिए चीज, ये तो आ रहा है सर इसका प्लाजो, प्लाजो पे आ रहा है सर वर्क, नीचे साइजेस अलग अलग मिलेगी, साइजेस जैसा आपने बताया कि सारे साइज मिल जाते हैं। हाँ, साइजेस सारी मिल जाएगी, साइजेस में कोई इशू नहीं। जैसे कि ब्रांड होते हैं सर, ब्रांड के कैटलॉग से मिल जाती है आपके। बिल्कुल सर, जैसे सजावट है सर, अच्छा खासा ब्रांड है। बिल्कुल सर, डिजाइनिंग भी कॉन्सेप्ट अच्छा नजर आ रहा है। बिल्कुल, और इसका जो शॉल आ रहा है सर, मसलिन का इसका दुपट्टा आ रहा है, दुपट्टा देखिए डिजिटल प्रिंट बना हुआ है दुपट्टे पे। बिल्कुल, ये देखिए चीज, बैग्स जो आपके पास लगे हुए हैं सब इसी तरीके इसमें डिजाइनिंग। बिल्कुल सर, हर टाइप का कॉन्सेप्ट है, मतलब ड्रेस मटेरियल, सेमिस्टीज, कुर्तीज, गाउन, जैसे आप आइए आगे कुछ और आइटम बताऊंगा मैं आप। जैसे कजीर ब्रांड है सर, एक्चुअली कजीर ब्रांड में बहुत सारे कैटलॉग्स आते हैं, एवरी मंथ कजीर ब्रांड में कुर्तीज के कैटलॉग मेरे ख्याल से 20 से 25 कैटलॉग अलग अलग वॉल्यूम से आते हैं, अलग अलग रेट्स में आते हैं, अलग अलग फेब्रिक्स में आते हैं। जैसे ये चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, रंगोली सिल्क, ये टॉप आ रहा है रंगोली सिल्क का, ये देखिए चीज डिजिटल प्रिंट बना हुआ है, देखने में भी डिजिटल चीजें ऐसी लग रही हैं जो आजकल जो जनरेशन है, सिंपल और सोबर, कस्टमर काफी डिमांड करते हैं। और इसका प्लाजो पे बॉटम पे वर्क हो रखा है। साइजेस की बात करूँ, साइजेस सारी आने हैं सर, लेंथ की बात करूँ, लेंथ परफेक्ट आएगी। तो सर जैसे इसमें रेंज आपकी जो स्टार्टिंग होती है कुर्तीज में, किस किस तरह की रेंज में डील सर? वही मैं बोल रहा हूँ, कुर्तीज में मेरे पास मेरा और एक शॉप है कुर्तीज का, जहाँ मैंने 40-60 रुपीज से भी स्टार्ट है, बट यहाँ पे थोड़ा प्रीमियम कलेक्शन है, 190 रुपीज से यहाँ से मैंने कैटलॉग मैनेज किए हैं सारे, 190 रुपीज से लेके फिर आगे कुर्तीज यहाँ पे मेरे पास अप टू 2000 तक है। तो मैं समझता हूँ जो नया बिजनेस स्टार्ट करे 190, 200, 250, 300 तक की कुर्ती लें, जो 500 रुपए की सेल आउट कर सके आराम से सर, तो बजट में भी आ जाएगी और चीज। 190 से सर जो स्टार्ट की है ना, उसकी कलर की गारंटी मैं दे रहा हूँ। मैं कस्टमर्स को ऑन कैमरा बोलना चाहता हूँ, अगर कलर्स गया, धुला हुआ, यूज किया हुआ पीस आप लेके आना, मैं रिप्लेस करके दूंगा, वो चीज की मेरी पूरी गारंटी कलर के बारे में। ज्यादा क्या रिलायबिलिटी ऑन कैमरा, आदमी कोई कमिटमेंट कर रहा है तो? सर जो कमिटमेंट में कर रहा हूँ वो परफेक्टली कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि खाली हमें बोलना है बोल दिया जी। वो ऐसा एक दिन का तो काम नहीं सर कि कुछ भी बोल के फ्री हो गए, ठीक है ना। जैसे बैक पैक आएंगे, ये भी कुर्तीज ही, बैग भी ट्रेंडी है, अगर बहुत सारे अलग अलग किसी में कस्टमर्स, कई कस्टमर सोचते हैं सर बैग बहुत पसंद आते, कई कस्टमर मेरे से बैग ही मांगते हैं, सर बैग तो नहीं मिलेगा, माल लेना पड़ेगा साथ में। जैसे मैं कजरी की बात कर रहा था ना सर, जैसे कजरी में और एक देखिए चीज, डेनिम कलेक्शन काफ़ी सारे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ डेनिम में बताओ। ये देखिए सर, यही चीज 1800, 1700, 1900 ऐसी बिकती है आइटम्स। जैसे सर आगे मैं स्टॉक की बात कर रहा था आपसे,
पूरा स्टॉक्स में भी कोई कमी नहीं है, मतलब हर तरह का, जैसे एक ही तरह के बंडल लग रहे हैं तो सारे एक ही तरह के माल है। जैसे कैटलॉग है ना, बताया तो आपको 100-200 सेट मेरे पास एट द टाइम अवेलेबल होते, स्टॉक की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि कस्टमर्स को बोलूँ अरे वो दिखाया था खत्म हो गया दूसरा चॉइस कर लो, ओ नहीं सर वो काम नहीं, जो रेडी स्टॉक है रेडी स्टॉक की मैं बात करूँगा। जैसे गरारे शरारे वो तो दिखाई दिए मैंने, जैसे कुर्तीज में और मैं बात करूँ, जैसे ये देखिए अरियंत काफ़ी अच्छा ब्रांड है, काफ़ी लोग इसको लाइक करते हैं, यूनिक कपड़ा आएगा, टपेटा सिल्क पे आ रहा है, ये देखिए, ये देखो सर बिल्कुल सर, ये भी डिजाइनर पीस, मतलब देखा जाए तो सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे डिजाइनिंग लड़कियों के, मतलब के जरूरी नहीं सर आपको बहुत हेवी कलेक्शन में जाना है, मैं दिखा रहा हूँ सारे आइटम्स। लो रेंज का भी बहुत बढ़िया माल है, कॉटन स्लब कॉटन रियॉन लो रेंज का लेके जाओ, जरूरी नहीं कि बहुत हेवी रेंज का आपको लेके जाना है, बिल्कुल लो रेंज से स्टार्ट करो। मैं तो बोलूँ पहले 190-250-300-400 तक ले जाओ जिनको घर से सेल करना है लोकेशन वाइज। हाँ जिनका बुटीक है तो ऑब्वियसली ये चीज तो वहाँ बिकनी है, ये तो डिमांडेड आइटम रहती है, बिल्कुल। और रिपीटेशन ऑर्डर के लिए आपको बार बार एक ही बार आओ सूरत विजिट करो, हमारा प्लेस देखो व्यवहार देखो, उसके बाद फिर आपको ऑनलाइन डील करनी व्हाट्सएप पे, क्योंकि नए नए क्या होते हैं ना क्लाइंट जो सब्सक्राइबर है डरते हैं, अरे हमने ऑर्डर दे दिया पता नहीं आएगा नहीं आएगा, डर सा होता है। हाँ जी हाँ जी, फिर वो छोटा ऑर्डर प्लेस करते, ठीक है कोई बात नहीं छोटा ऑर्डर प्लेस करो, हमें कोई लालच नहीं कि आप 50,000 का ऑर्डर प्लेस करो, 15,000 का ऑर्डर प्लेस करो, एक बार मंगाओ क्वालिटी देखो। लेकिन बेहतर यही है सर कि अगर आप बेटर यही कि आप सूरत आते हो तो एक बार आओ विजिट लगाओ, क्योंकि इतनी सारी चीजें हम व्हाट्सएप तो कर ही देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होता है वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है ऑनलाइन में, अरे हमने तो ऐसा देखा था ऐसा आ गया। तो मैं भी कस्टमर खराब नहीं करना चाहता हूँ, मेरा क्लाइंट मैं खराब नहीं करना चाहता हूँ, एक बार मैं अगर सूरत आते हो तो आइए विजिट कीजिए, लेना नहीं लेना दो नंबर की बात है, जरूरी नहीं आप आए हो तो लेना ही पड़ेगा, बिल्कुल कलेक्शन देखो आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो दो महीने बाद होगा, काम चलता ही रहेगा सर, काम की कोई कमी नहीं है, लाइफ के साथ चलता रहेगा 100%। जैसे मैं और कुछ आइटम दिखाऊंगा सर आपको, आइए जैसे शॉर्ट टॉप की भी काफ़ी डिमांड होती है सर जी, जो शॉर्ट टॉप्स कस्टमर्स बोलते हैं अरे हमें तो थोड़ा शॉर्ट में चाहिए शॉर्ट टॉप चाहिए, ये देखिए मैं शॉर्ट टॉप में कुछ आइटम बताऊंगा, पैकिंग बहुत यूनिक आती है सर इनकी, ब्रांड भी अच्छा है जी सर, बॉक्स पैकिंग भी है, मतलब डिसेंट चीज़ें, मतलब कि आप शेल्फ में लगाएंगे चीज़ में देखने में अच्छी लगेगी। पैकिंग देखो इसका, कपड़े देखो, फैब्रिक देखो इसका, शॉर्ट टॉप में एम्ब्रॉयडरी वर्क हो रखा है। रेंज की बात करूँ बहुत नॉर्मल रेंज में शॉर्ट टॉप है, मसलिन कपड़ा है सर, सबसे बड़ी बात सर। और ये कपड़ा आ रहा है सर मसलिन जी, फैब्रिक भी मैं थोड़ा फील ले लेता हूँ, जैसे मसलिन फैब्रिक है, बहुत अच्छा आइटम है। और इसी में और एक शॉर्ट टॉप में मैं फैब्रिक थोड़ा डिफरेंट बताऊंगा जी, ये देखो ये आ रहा है सर स्लब आ रहा है स्लब जी, इसकी भी चीज देखो आप, शॉर्ट टॉप में भी मेरे पास कम से कम 40-42 कैटलॉग्स है शॉर्ट टॉप की, जो रेंज वाइज है 250 रुपए से लेके 400-500-600 तक रेंज मिल जाएगी। साइजेस इसमें क्या होता है स्मॉल से लेके डबल एक्सएल तक ट्रिपल एक्सएल तक साइज होती है इसमें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, शॉर्ट टॉप में, शॉर्ट टॉप की अगर मैं बात करूँ तो फिर देखो सर एक गाउन पैटर्न है अलग अलग, तो जैसे सर कुछ बोलते हैं कि विद पटियाला, जैसे शॉर्ट टॉप की मैं बात करूँ, ये देखिए धोती पैटर्न आ रहा है, धोती पैटर्न आ रहा है, कलरफुल चीज़ें जो ट्रेंडी बिल्कुल। और ये सर है पूरा मेरे पास कैटलॉग आइटम, यहाँ इसके साथ 8 कलर 10 कलर और कलर डिजाइन सब अलग की बात अलग अलग आते हैं, सारे कलर्स और डिजाइन कैटलॉग साथ में आएगा, पर पीस पोस्टर भी आएगा। और सर रही बात, कई लोग मुझे क्लाइंट्स आते हैं मुझे पूछते हैं कि सर मार्जिन कितना रखना चाहिए, बिल्कुल वो बोलते हैं कि सूरत में तो 500 की चीज़ हम 1,000 में बेच सकते हैं इजीली, ऐसा नहीं होता है। तो कई बार किसी वीडियो में भी दे देते हैं जी 5,000 वाली कुर्ती कितने 500 में मिल रही है, सर एक लिमिटेड मार्जिन पे काम करो, 40% इज इनफ। अगर आपको रिपीटेशन चाहिए कस्टमर्स, हाँ एक बार का अगर आपको व्यापार करना है तो 40 की चीज़ नहीं आप 400 की चीज़ 1200 बेच सकते हो, एक बार का व्यापार हो जाएगा जी। आपको घर से कर रहे हो काम या तो छोटा शॉप है, माउथ पब्लिक सिटी पे ही आपके पास कस्टमर आने वाले, ध्यान रखना आपको कोई प्रमोशन नहीं करना है कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है, बिल्कुल आपके यहाँ से अगर किसी ने चीज़ ली 4 लोग पूछेंगे कहाँ से लाए कितने का लाए तभी वो पता चल जाएगा, बिल्कुल गलत बात है। 400 की चीज़ कभी 800 की बिक जाती है लेकिन वो वन टाइम वाला काम होता है, लिमिटेड मार्जिन में काम करो मजा आएगा। मैं समझता हूँ सर 400 की चीज़ें 500 की बेचो 550 की बेचो एनफ होता है सर, 400 की चीज़ आप 550 बेच दो बढ़िया चीज़ बिकेगी रिपीटेशन आएगा वापस आप जल्दी मेरे पास माल लेने के लिए आओगे।
और मतलब ज़्यादा के चक्कर में एक बार लेट हो जाता अच्छी चीज़ें ऑटो सर, ज़्यादा के चक्कर में फिर लोगों की यही राय होती है अरे उनके पास महंगा मिलता है, महंगा मिलता है ठीक है, फिर आप चाहे फिर वो 400 की चीज़ बाद में आप 500 भी बेचोगे ना, बस उनके माइंड में एक फिट हो जाता है नहीं उनके पास महंगा महंगा मिलता है। तो अपने को अगर नया स्टार्टअप करना है तो प्रॉपरली रेंज से प्रॉपरली एक छोटा प्रॉपर मार्जिन लेके आप काम कीजिए, मज़ा आएगा, कोई इश्यू नहीं होगा ठीक है ना जी। तो जैसे कि आप शॉप पर विजिट करना चाहता है आपसे अगर माल लेना है रूबरू लेना है तो किस तरीके से आपसे इजीली आ जाए शॉप पे? सर देखो यहाँ से काफ़ी सारे क्लाइंट्स कोई साउथ से आ रहा है कोई नॉर्थ से आ रहा है जी। स्टेशन यहाँ से 1.5 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर से स्टेशन बिल्कुल, और जैसे मैं बात तो करूँ स्टेशन यहाँ से बिल्कुल 1.5 किलोमीटर स्टेशन है, बहुत ईजी वे है यहाँ पर आने के लिए, स्टे करने के लिए भी काफ़ी सारी सुविधा है यहाँ पर, बिल्कुल आराम से आ सकते हो जी। उसके बाद बात रही सर पेमेंट मोड की, तो पेमेंट हर चीज़ एक्सेप्ट होती है, चेक होता है एक्सेप्ट, कार्ड एक्सेप्टेड है, कैश एक्सेप्टेड है, बैंक ट्रांसफर एक्सेप्टेड है, वो कोई इशू ही नहीं है जी। तो सर जैसे कि आपके पास कस्टमर भी आया तो सर कहाँ से आएगा, उनसे भी मैं सोचता हूँ कि लाइव ले लेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल सर, आज संडे है, वैसे हमारा संडे को क्लोज ही रहता है, लेकिन अगर कस्टमर्स पहले इन्फॉर्म करते कि हम संडे आ रहे हैं जी, तो ये सेमी गवर्नमेंट और एसोसिएशन वाला मार्केट है, यहाँ पे पहले परमिशन लेनी पड़ती है। सूरत टेक्सटाइल मार्केट जो ऐसा एक ही मार्केट जो एसोसिएशन वाला है वो जहाँ हम बैठे हैं। हाँ जी, जैसे सर जी हमारे आए हुए यूपी बनारस से आए हुए, आज संडे जी, तो इन्होंने पहले इन्फॉर्म किया था तो हमने शॉप ओपन रखी है। बिल्कुल हाँ जी सर, आने में रास्ते में थोड़ी से मतलब ट्रैफिक की वजह से सब वजह लेट हो गए, नहीं तो आना तो कल ही था। हाँ जी, तो हाँ जी, क्योंकि आए हैं तो इतनी सुविधा तो मिल जाती है, भाई दूर से आए हैं तो जो है कि बिल्कुल बिल्कुल। तो सर शॉप पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं? मतलब मैं नहीं आता, मेरा भाई और ये सब आते, लेकिन एक दूसरे को जानते रहते हैं, बिल्कुल जान रहे हैं जो है कि जो भी एक मतलब जैसे एक जगह एक छत के नीचे जो है कई ब्रांड मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी अपनी चॉइस होती है कि जगह भी मिल जाए। तो सर जैसे कई बार कुछ लोगों का कहना होता है कि सूरत से हमने माल परचेज करा और बदल के भेज दिया, हमने 50,000 का बिजनेस मैन सर ऐसा कभी नहीं करता है, मतलब मेरे ख्याल से तो जहाँ पे हम लोग जैसे अभी यहाँ बैठे हैं हाँ जी, तो ये मतलब कि जरा सा उम्मीद नहीं मेरे साथ ऐसा हो। तो सर वही है कि कस्टमर का रिव्यू मिल जाता है, कई बार कुछ लोग होते हैं, कई बार सूरत कुछ लोगों ने बदनाम कर रखा है, हर चीज़ में नहीं मैं कह सकता इस चीज़ को, अच्छे बुरे सब हर जगह रहते हैं, हर जगह रहते हैं। तो सर जैसे आप पहले भी माल लेके गए थे तो माल आपका बिका, सही भी चीज़ों में बिका, सही चीज़ रेटों वाइज कैसा रहा माल आपका? रेट भी मिलता है ना सर यहाँ से जी, मोटिवेशन मिलता है कि अपन इस रेंज में ले जा रहे हैं, ये मतलब कि आज मार्केट कंपटीशन का मार्केट। बिल्कुल सर, तो एक मतलब कि चलिए ठीक है 30% 40%, अब डायरेक्ट अगर 50% 100% करने जाएंगे तो वो खुद ही नहीं ज्यादा मार्केट में रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, हकीकत बात है, बिजनेस माइंडेड माइंड के हिसाब से चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लोग यहाँ आते हैं विश्वास करते हैं, भरोसा है कि जो माल परचेस करेंगे वही हमें मिलेगा और एक वाजिब रेट में मिलेगा। बिल्कुल सर, यही है कि दुकानदार की पहचान होती है कि सही चीज़ बेचे, सही चीज़ें पूछनी चाहिए। आज अगर यहाँ आए हैं संडे को फोन करके खुलवाए हैं सर तो नीचे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये एक अच्छी बात है कि सर आपने मतलब कि कस्टमर के लिए आपने संडे के लिए। और सर आप ही के नहीं सब्सक्राइबर, कोई भी यूट्यूबर के अगर सब्सक्राइबर हो ना तो मैं हर वीडियो में यही चीज़ बोलता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग से बोलना यही रखा है कि सर आप इतनी दूर से जर्नी करके आ रहे हो ना तो आप 24 घंटा कोई 20 घंटा कोई 22 घंटा जर्नी करके आ रहे हैं तो आपका जो माल है आपके सामने पैक जरूर करवा लीजिए। रीज़न ये है सर, ये सबके लिए अप्लाई है। कई लोग दो चार लोग हैं सर जिनकी वजह से मार्केट खराब हो गया है, लोग डरते हैं, अगर कस्टमर सुबह माल लेके गया ना तो एक दो घंटे बाद आते सर मेरा माल सामने पैक कर दो। बिल्कुल सर 100%, कई लोग ऐसा नहीं नहीं वो गोडाउन से निकल जाएगा, पार्सल मिल जाएगा, ऐसे घुमा फिरा के जवाब देते, फिर जब पहुँचते देखते अरे जो हमने जो सिलेक्ट किया तो मिला ही नहीं, तो इन चीज़ों से थोड़ा जैसे कि आपने भी बताया था कि आपने पैकेजिंग सिस्टम भी यहाँ रखी है। बिल्कुल 100%, इसीलिए तो मतलब कस्टमर्स को सुविधा के लिए रखी है ना सर, कस्टमर जो माल ले रहा है एक्चुअल में वही माल जाए, एक सिंगल पीस भी कोई चेंज ना हो जी। कस्टमर बैठा माल उनके सामने निकाला, पार्सल पैक किए, पार्सल गए, उनको बिल्टी उनके हाथ में मिल गई, बात खत्म। यहीं पे कस्टमर ने देखा ये हैंड टू हैंड पैक आप करा देते, पार्सल खुला है, नंबर मारा, बिल बनाया, सीधा पार्सल पैक उनके सामने चला जाता है। ये सुविधा इतने बड़े स्पेस लेने की वजह यही है जी सर, ठीक है ना, इससे सर एक विश्वास ही बन जाता है कि 100% सर रिपीटेशन। देखो व्यापार हम 18 साल से कर रहे हैं, हमें भी रोज नए कस्टमर नहीं मिल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, 80% क्लाइंट जो आ रहे हैं रेगुलर आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं। कई लोग बोलते हैं सर माल बिका, मैं ऐसे कई क्लाइंट आपको बता दूंगा कि जो बहुत मतलब खुश है, वो बोलते हैं कि सर आपने दिया हुआ माल बिका, हमारी दुकानदारी चल रही है, और रेफरेंस दे रहे अलग अलग अपने यार दोस्त रिलेशन में बता रहे आप सूरत जाओगे तो इनके पास जाना, वाजिब रेट वाजिब चीज़ मिलेगी,
कोई इशू नहीं रहेगा ऐसे सर, बहुत अच्छा लगता है उस, बहुत सेटिस्फेक्शन फील होता है उस टाइम जी। हाँ जी वही है सर, बिजनेस करो अच्छे से करो, सबसे बड़ी बिल्कुल सर। एक दिन का काम तो है नहीं, अगर हमने अगर यही काम ऐसे तरीके से नहीं करते सर, आज हमारी एक ही शॉप रहती, हम एक शॉप से लेके आज 9वीं शॉप हमने ये ओपनिंग की है बिल्कुल चार दिन पहले। हाँ जी हाँ जी, क्यों किए? बिकॉज कस्टमर्स की वजह से, कस्टमर्स ने जो रिव्यू दिए, कस्टमर रिपीटेड आ रहे उसकी वजह से ओपन है। हम रोज रोज नए कस्टमर कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल सर, हाँ जी सर, एक चीज एक लिमिटेड होती है सारी चीज़। बिल्कुल सर 100%। तो मैं भी कह रहा हूँ सर, चीजें आपके पास स्टॉकिंग है, सारी चीज़ अवेलेबल है, सारे ब्रांड से लेके सस्ती से लेके ब्रांड तक सारी चीज़ें मिल जाती है। हर एक ब्रांड मिल जाए, कई सारे कस्टमर्स फोटोज लेके आते सर, ये चाहिए, बिल्कुल मिल जाएगा, बैठो दिखाओ इनको, आप जो देख रहे हो वहाँ से लेके यहाँ से लेके हर एक ब्रांड का मेरे पास माल पड़ा है। आप बिल्कुल आप देखो, कोई ऐसा ब्रांड नहीं है सूरत का जो मेरे पास नहीं मिलेगा, हर एक ब्रांड, टॉप मोस्ट ब्रांड। जी सर, कई बार ऐसा होता है यूट्यूब पे से वीडियो देखी, उसने मान लो 10 फोटो सेलेक्ट कर लेके आया जी, और उसमें से अगर उसको अगर 7-8 मिल जाते हैं, 9 मिल जाते हैं, तो उसको सर्टिफिकेशन मिलता है कि मेरी पसंद का मिला। 7-8 नहीं, 10 के 10 की देने की कोशिश करता हूँ सर, 100%। बिल्कुल सर, और कोई बोलते ना सर यूट्यूब पे, सर आपने तो इसका रेट 600 बताया था, सर आप 550 का ले जाओ, रेट्स के लिए बेफिक्र रहिए। काफ़ी सारे मेरे पास ऑफर रेट में 40% रेट्स में, ऑफर रेट्स में मेरे पास कैटलॉग्स आते हैं जो ऑन कैमरा मैं दिखा नहीं सकता हूँ, बता नहीं सकता हूँ रेट्स, लेकिन कस्टमर आते हैं ना तो बोलते हैं अरे ये चीज़ तो हमने पहले 1800 के लिए दिया, आज 1100-1200 की कैसी? सर ऑफर रेट है मेरे पास है। काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते बोलते सर ऑफर रेट्स में कैटलॉग बताओ। बिल्कुल सर दिखाता हूँ मैं, जो है वो दिखाता हूँ 100%। मतलब कि मार्केट के रेट से अगर मान लो रेट कम हो जाते हैं तो रेट उसका बेनिफिट कस्टमर को मिलता है 100%। कस्टमर बेनिफिट देता हूँ मैं कस्टमर को, कोई इशू ही नहीं है। बिल्कुल मतलब सर अच्छा लगा वीडियो देख के, चीज़ें स्पेस अच्छा है, चीज़ें सही है, और कस्टमर भी जब पॉजिटिव बोलता थोड़ा सुनने में भी अच्छा लगता है, फील करने में भी अच्छा बिल्कुल लगता सर 100%। हम भी बैठे सर यार कस्टमर्स की वजह से ही बैठे, जो वहाँ से रिव्यू दे रहे, आ रहे माल लेके जा रहे, रिपीटेड आ रहे, तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। बिल्कुल हाँ जी, तो बहुत अच्छी बात है सर, शॉप पर विजिट करें, आपके पास सबसे बेटर बेस्ट जी सर। संदीप भाई हमारे तो वैसे भी कस्टमर के लिए हमेशा रेडी है। बिल्कुल सर 100%। ओके ओके सर, ओके।